तैयारी अच्छे से कर ली, पेड कोर्स पढ़ लिया, YT पढ़ लिया, लेकिन अभी भी स्कोर जो है ना वो बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमें स्कोर बढ़ाने का तरीका ही नहीं पता, मंत्र ही नहीं पता। हमको लगता है कि सिर्फ मॉक टेस्ट खरीदने से और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने से स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चे। हम लोग बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। काहे की प्रैक्टिस करो, किस चीज़ की प्रैक्टिस करो? आपको एक्चुअल में प्रैक्टिस करने के बाद में अपने आप को एनालाइज करना होता है, और प्रैक्टिस तब पूरी होती है जब अपने द्वारा किए गए काम का आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं किस चीज़ का? सर, जो आपने मॉक टेस्ट दिया, सपोज आपने यहाँ पे पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लगाया, 75 क्वेश्चन आपने लगाए। यहाँ पे आपके पास क्वांट है, रीजनिंग है, और अपने पास में यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी आप देते हो, GS है ना, कंप्यूटर है, ये सब चीज़ें आपके पास में आ गई। अब यहाँ से मान लो, देखो ये जो चीज़ है ना, GS और आपका जो GS और करंट अफेयर वाला पोर्शन है, अब यहाँ से कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि जो मॉक में क्वेश्चन आया वही तुम्हारा वहाँ आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, वो जस्ट एक मॉडल पेपर है, ऐसा आता है। क्या क्वेश्चन आएगा GS में किसी को नहीं पता, क्या करंट अफेयर आएगा किसी को नहीं पता, आप जस्ट एक ट्राई कर सकते हो अपने लेवल पे बेसिक चीज़ों को पढ़ने की। अब होगा कि नहीं होगा वो उसकी मर्जी है। अब ऐसा ही कंप्यूटर में चीज़ें क्या है, फिक्स हैं, तो ये आप अपनी तरफ से पढ़ के रख लो, शॉर्ट एंड स्वीट रूप में पढ़ना है, बड़ी बड़ी MCA वाली किताबें नहीं पढ़नी है कंप्यूटर के लिए, फिक्स ही चीज़ें। अब बात आ जाती है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में। अब इंग्लिश में दो चीज़ें होती हैं, वोकैब वाला पोर्शन और ग्रामर वाला। अगर वोकैब वाला पोर्शन में गलतियाँ हो रही हैं, कभी एंटोनिम सिनोनिम गलत हो गया, कभी आपका वन वर्ड या फ्रेज गलत हो रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गलत हो रहा है अब पता नहीं ना वहाँ पे कौन सा आएगा। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप डेली बेसिस पे GS, कंप्यूटर और इंग्लिश का वोकैब इनको रिवाइज करिए, इनको पढ़िए, इनको तो याद करना है, लर्न करना है। प्रैक्टिस किसकी करनी है? ग्रामर की, क्वांट की, रीजनिंग की, ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट हैं। हो सके तो मॉक में आप इन तीन चीज़ों को इंक्लूड करें, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को, तो इससे आपको मॉक का एक्चुअल एनालिसिस पता चलेगा। GS और कंप्यूटर को शामिल करने से कई बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही हो जाते हैं उनके, कई बार गलत हो जाते हैं, तो वो आपका एक्चुअल एनालिसिस वहाँ से पता नहीं चल पाता है। तो अच्छा, क्वांट में जैसे आपने मान लो आपको क्वेश्चन मिले 25, आपके क्वेश्चन सही हुए 15, रीजनिंग में क्वेश्चन मिले 20, सपोज आपके सही हुए 12, ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चन आए सपोज यहाँ पे 10, आपके सही हो गए 7, तो जो इसके 3 क्वेश्चन गलत हुए, जो इसके 8 क्वेश्चन गलत हुए, जो इसके 5 या 10 क्वेश्चन गलत हुए, आप इन क्वेश्चन को लेकर के बैठिए, जो सही हुआ उनको देख करके खुशियाँ मत मनाइए। मॉक टेस्ट किस लिए होता है? हमारी कमियों को बाहर निकालने के लिए। अपने आप को आईना दिखाइए कि भैया तेरे इस जगह से हर मॉक टेस्ट में सवाल गलत हो रहे हैं। मान लो क्वांट में आपका कोई टॉपिक है, मान लो CISI है, ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो यार उस चैप्टर को फटाफट से एक बार रिवाइज करना, उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर, ताकि उसकी गलतियां पता चलें और उसको देख करके चीज़ों को आप सीख पाएं, ठीक है ना। मान लो आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप उस क्वेश्चन को कहीं ग्रुप में डिस्कस करो, मुझसे पूछो, या आप उसके नोट्स जो आपने बनाए उसको पढ़िए, तो जो जो गलतियां हैं आपकी, सेम गलती अगले मॉक में नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसमें भी जो क्वेश्चन गलत हुआ, अगले में भी वो क्वेश्चन गलत हुआ, तो फिर आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं हो पा रहा है, सिर्फ मॉक टेस्ट हो रहा है। तो ऑलवेज फोकस ऑन रॉन्ग आंसर्स, समझ गए, रॉन्ग आंसर्स पे फोकस करना है। सही जो हो चुका वो तो सही है, उसको देख के खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको रॉन्ग चीजों पर फोकस करना है। अच्छा, फिर भी स्कोर नहीं बढ़े तो आप लोगों को हेल्प लेनी है सेक्शनल टेस्ट की। सेक्शनल टेस्ट से क्या होता है, आप लोगों का एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बढ़ती है। सिंगल क्वांट के दो सेट लगा डालो, जिससे आपकी क्वांट में एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन अच्छी होगी। सेम चीज़ रीजनिंग में करो, दो सेट लगाओ, इंग्लिश के दो सेट लगाओ, फिर ये लगाने के बाद वापस से फुल लेंथ वाले पे आ जाओ, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, स्कोर आपका इंप्रूव होगा। फिर आपने दो तीन फुल लेंथ दिए, एनालिसिस किया, उसके बाद फिर सेक्शनल के दो दो सेट मारो, तो दो मॉक टेस्ट का आप टारगेट रखो अब डेली, ठीक है। अगर आप सेक्शनल लगाते हो तो फिर उस दिन आप मॉक टेस्ट ना लगाएं, ओनली आप सेक्शनल टेस्ट ही लगाएं। GS के अंदर आप लोगों को अब वीकली, मंथली, क्वार्टरली वाले जो क्लासेस हैं उनको लेना है, डेली दो दो घंटे इस पे ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पे स्कोर आपका बढ़ेगा 10%, 20%। क्वांट रीजनिंग से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 40 के आसपास मिलेंगे, आज आपके 20 सही हो सकते हैं तो 10 दिन में वो 40 तक पहुँच सकता है। यहाँ पे ये है कि अगर 20 हैं तो 20 से 21, 22, 23, 25 यहाँ तक ही पहुँच पाओगे। पढ़ना सब कुछ, ऐसे नहीं कि पढ़ना नहीं, अपने को GS पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका उतना ही टाइम दो जितना देना चाहिए।
ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सर मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा। और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें भी मॉक में होती हैं जो कि एक्चुअल में पेपर में नहीं आ रही होती, क्योंकि वो एक मॉडल पेपर है भाई, वो एक मॉडल पेपर है, ऐसा एक मॉडल बनाया गया है कि ऐसा आएगा। बाकी एक्चुअल पेपर तो एनटीए देगा ना। सिर्फ आपको अपने कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट याद आ जाएं, आपकी कैलकुलेशन स्पीड की प्रैक्टिस करनी है, आपकी सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो ना हो इसकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर कम ज़्यादा आ रहे हैं, कई बार यहाँ मॉक में 150 आ रहे होते हैं, वहाँ पे 100-200+ आ जाते हैं, कई बार यहाँ 200 आ रहे होते हैं, वहाँ पे 120 आ जाते हैं। तो मॉक टेस्ट एक्यूरेट ऐसा नहीं कि उतने ही नंबर आएंगे, इस बात पे आप डीमोटिवेट ना हो, कम नंबर आ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो खुश नहीं होना है। जस्ट डू योर जॉब। आपकी जॉब क्या है, क्वेश्चंस को ट्राई करना, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना थ्रू मॉक टेस्ट, समझ रहे हो। तो ये छोटी सी क्लास में मैं आपको समझा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस मत लो कि नंबर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, आपको अपना काम करना है, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे चलना है, धीरे धीरे आप लोगों का जो स्कोर है इम्प्रूव होने लगेगा, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट आपके पास नहीं है तो आप मॉक टेस्ट जाकर के ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। कहाँ से, ये आपका LLB वाला जो पोर्शन आता है ना, इसमें UGPG में लॉ एंट्रेंस LLB में, यहाँ पे आपके दो, मैं ये ही सेट आपको रिकमेंड करता हूँ सभी को। ये आप लोगों का फुल लेंथ वाले 20 है और ये सेक्शनल है, तो अभी आपका आज और कल डिस्काउंट भी चालू है, तो इसमें आपको 400-500 रुपये की बचत भी हो जाएगी। Y829S कोड लगाना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए आप लोगों को या और कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, amit.sharma@adda247.com, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी क्लास थी, कोई प्रॉब्लम आए नीचे कमेंट करो वीडियो के, मैं उसका जवाब दूंगा, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट टाइम है, सोचो मत, उतना ही सो जितना ज़रूरी है, उतना ही खाओ जितना ज़रूरी है, पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आपका एग्ज़ाम। 15 दिन बाद कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपनी मस्ती मारो, लेकिन अब ऐसा कर दो कि वो 15 दिन बाद आपको गिल्ट नहीं फील हो रहा हो, आपको खुशी फील हो रही हो कि आपने मेहनत की थी, तो आज आप बढ़िया लेवल पर हो, अच्छी जगह पर जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, बढ़िया लाइफ मिलेगी, आगे की पूरी लाइफ अच्छी होगी। 10-15 दिन ख़राब हो भी गए, मेहनत कर भी ली, कम सो लिए, कम खा लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब धुल जाएगा पाप, ठीक है ना। तो ब्रदर अच्छे से पढ़ाई कीजिए सभी दोस्तों, है ना, और इस बार फोड़ दीजिए, चलेगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।